एक तरफ चीन पर शनि की साढ़े साती, दूसरी तरफ मकर राशि में शनि का भ्रमण करना। ऐसी परिस्थितियों में क्या कहती है चीन अमेरिका भारत की कुंडली? क्या चीन के खिलाफ अमेरिका उठा सकता है कोई बड़ा कदम? क्या आर्थिक रूप से चीन को लग सकता है कोई बड़ा झटका? शनि की दशा में चीन का अब क्या हाल होने वाला है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं आज शनि की साढ़े साती की। शनि इस समय मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वक्री हैं, अभी 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे और वक्री शनि मकर राशि में ही रहेंगे, धनु में नहीं जाएंगे। और ये जो स्थिति बन रही है, ये अमेरिका और चाइना में क्या कोई युद्ध की स्थिति पैदा कर रही है? क्या आने वाले समय में शनि के कारण अमेरिका और चाइना में कोई युद्ध होगा? ये आज हम आपको बताएंगे। क्या शनि की साढ़े साती इस समय चाइना की कुंडली में चल रही है और ये शनि की साढ़े साती क्या चाइना को बद से बदतर हालत में ले जाएगी, बर्बादी की ओर ले जाएगी? वहाँ पर युद्ध होगा, वहाँ पर कोई बड़ी संकट आ सकता है, ये आज आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि इस समय अमेरिका और रशिया और चाइना, इन तीनों के ऊपर शनि का बहुत ज़बरदस्त असर है। रशिया की बात करें तो सकारात्मक असर है, रशिया को शनि के चतुर्थ होने का बहुत लाभ मिलेगा। अमेरिका को जो शनि की स्थिति उनके बारहवें भाव में बन रही है राशि से, वो बड़ा नुकसान, चिंता का संकेत दे रही है। चाइना की कुंडली में शनि लगन में बैठे हुए हैं, शनि की साढ़े साती है और शनि लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर ये अष्टम भाव में ना होते, नवम में दशम में होते तो स्थिति खराब नहीं होती, और अष्टम भाव में होने के कारण ही ये स्थिति बहुत ही ख़राब चाइना के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको याद है 26 दिसंबर को जो ग्रहण पड़ा था, वो जो सूर्य ग्रहण था दर्शकों, वो बहुत बड़ा ग्रहण था और चाइना की कुंडली में बारहवें भाव में साढ़े साती के साथ वो ग्रहण बना हुआ था। तो इसलिए वहाँ से महामारी आई है, बड़ा संकट आया है। और अभी क्या चाइना में, चाइना की कुंडली में शनि की साढ़े साती क्या चाइना और अमेरिका में युद्ध करा सकती है या बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले चर्चा चाइना की करते हैं। चाइना को शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि कुंडली में अष्टम भाव में, आने वाले जो 5 साल है साढ़े साती के हिसाब से चाइना के लिए बहुत ज़्यादा भारी रहेंगे। खासकर अगर पहले 2.5 साल की बात करूँ तो वो ज़रा तकलीफ देंगे। इन 2.5 सालों में चाइना 20 साल पीछे जा सकता है दर्शकों, और बुध की दशा भी है, तो आने वाले समय में चाइना की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी जो आज है। पीछे चला जाएगा चाइना, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा काम कारोबार की स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति भी उसकी शनि के कारण डावाडोल रहेगी, कभी बेहतर होगी तो कभी खराब हो जाएगी। तो चाइना में शनि के साढ़े साथी बहुत बड़े दुख, कष्ट और तनाव को लेकर आ रहे हैं, और शनि जब उनके लगन में चलेंगे तो सीधा सीधा काम कारोबार पर असर होगा, देश की जनता पर असर पड़ेगा, देश की जनता को परेशानी रहेगी, सरकार से परेशानी मिलेगी और वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब रहेगा। चाइना में जो उसका मुख्य कार्य है, मुख्य काम है टेक्नोलॉजी, चाइना को वहाँ पे कोई निराशा हाथ हासिल लग सकती है। कुछ और देश चाइना से बड़ी टेक्नोलॉजी इस समय बना सकते हैं और वो विश्व में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी चाइना का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, वो कम हो सकता है इस शनि की साढ़े साती के कारण। दर्शकों, ये बड़ी भविष्यवाणी है मेरी। चाइना में कोई गंभीर बीमारी, स्किन संबंधी बीमारी वहाँ हो सकती है आने वाले समय में, ये मेरी दूसरी भविष्यवाणी है। चाइना में चक्रवात, भूकंप इत्यादि आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, कोई बड़ा नुकसान वहाँ हो सकता है भूकंप के कारण। कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनेगी, हालात बद से बदतर हो जाएगी, जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं।
तो दर्शकों शनि की साढ़ेसती चाइना को बर्बाद करने में एक कदम और आगे ले जा रही है। यानी एक तो बुध की महादशा, ऊपर से शनि की साढ़ेसाती भी, कुंडली में शनि अष्टम में, मंगल सप्तम में नीच का है। नीच का मंगल होने के कारण आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो चाइना कहता है वो उसका उल्टा करता है। इसी के कारण संबंध भारत और अमेरिका के साथ चाइना के खराब और खत्म होते जा रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि में शनि 12वें घर में है, तो जब भी 12वें घर में शनि जाता है तो आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है, बीमारियां, परेशानियां, कर्ज की स्थिति, हालत ख़राब रहती है देश में, काम कारोबार की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं रहती है। और जब शनि खराब हो गए तो देश की जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ये कुछ शनिदेव बताते हैं। और राहु और केतु की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है अमेरिका में। और अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। ये चुनाव में जनता जो है, जो गृह स्थिति लग रही है, सत्ता पक्ष के साथ रह सकती है, लेकिन नाराजगी भी बहुत रहेगी जनता में। बहुत से लोग जो है वोट नहीं देंगे या नाराजगी के चलते इस दूसरी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर जनता का साथ जो है वो अमेरिका के साथ, जो वर्तमान में सत्ता ट्रंप की है, उनके साथ ही रहने वाला है। और अमेरिका में आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में अगर आप सुनते हैं, अगर आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि मैंने बोला था अमेरिका में कोई हमला हो सकता है, और वो अभी हो भी गया है। आने वाले समय में ये आशंका अभी दर्शकों को बरकरार रहेगी। और जो स्थिति है ये अमेरिका के अंदर 2021 नवंबर तक स्थिति अमेरिका में बहुत ख़राब रहेंगी। वहाँ नस्ली हमला हो सकता है, किसी तरह की कोई बड़ी आपदा, कोई संकट, कोई परेशानी रह सकती है। वहाँ आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी, काम कारोबार की स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, अपने देश जाना पड़ सकता है, या नौकरियों पर गाज गिर सकती है लोगों की, ये स्थिति बता रही है। अमेरिका अपनी ही परेशानियों में उलझा रहेगा आने वाले 1.5 साल, ये अमेरिका की कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका और चाइना के रिश्ते बहुत ख़राब रहने वाले हैं आने वाले कुछ वर्षों में। और हालात तो ये रहेंगे कि युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन ग्रह नक्षत्र ऐसे कह रहे हैं कि वो युद्ध में तब्दील नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दूसरे देशों के खिलाफ कड़े बयान देखे जाएंगे, निंदा एक दूसरे देशों की नेताओं की होती रहेगी। लेकिन अमेरिका की स्थिति चाइना से थोड़ी बेहतर रहेगी, और अमेरिका जो है आने वाले 6 से 7 महीनों में स्थिति को कवर कर सकता है, लेकिन चाइना में स्थितियां बेहतर होती भी नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ ग्रह नक्षत्र बताते हुए नज़र आ रहे हैं दर्शकों चाइना और अमेरिका के। चीन के लोग जो हैं इस समय काम कारोबार को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, चीन की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और चीन के जो व्यापारी हैं उनको बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। चीन का जो माल है, जो एक्सपोर्ट अभी होता है, उसके तादाद में भारी कमी मेरे को होती हुई नज़र आ रही है शनि के कारण और बृहस्पति के कारण, तो गुरु केतु की युति उसके कारण तो बहुत ज़्यादा। अमेरिका जैसे देश भारत से कुछ सामान आयात अपना बढ़ाएंगे, ब्रिटेन से वो अपने सामान का आयात ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों ओवरऑल स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच हालात तो बहुत ख़राब होंगे, संबंध में खटास रहेगी, लेकिन युद्ध की स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका के हालात भी बेकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाइना के हाल तो बहुत ही बुरे रहेंगे, वहाँ कोई स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और भारत के संबंध जो हैं, अगर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आने वाले समय में ख़राब रहने वाले हैं, अच्छे नहीं रहेंगे। भारत सरकार किसी कीमत पर नहीं झुकेगी, चाइना को ही दबाव में झुकना पड़ेगा और भारत की सारी बात माननी पड़ेगी। चाइना के ऊपर रशिया का भी दबाव पड़ने वाला है दर्शकों, अमेरिका का दबाव पड़ेगा और ब्रिटेन का दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उसको बिल्कुल झुकना पड़ेगा। और चाइना में परेशानियों का जो दौर है ये भी बरकरार रहेगा, बीमारी का दौर जो है ये बरकरार रहेगा। तो दर्शकों हमने आपको बताया आज चाइना पे 7.5 का असर, अमेरिका पर 7.5 का असर क्या पड़ेगा, इनके संबंध दोनों देशों के कैसे रहेंगे, भारत के साथ दोनों देशों के संबंध कैसे रहेंगे,
अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सभी दर्शकों को कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आप फ़ोन करें, फ़ोन लेकर सलाह लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी दर्शकों, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों के कुछ लोगों के कमेंट्स में भी जवाब दे दें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और हाँ दर्शकों, अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत से दर्शक जो हमें चाहते हैं पूरे विश्व से, हमें फ़ोन करके हमें कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं कि उनको हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा लगता है, वो उसकी सराहना करते हैं, उनको हमारी भविष्यवाणी, हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हमारे लिए नहीं हो सकती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, अच्छे से अच्छी भविष्यवाणियाँ या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो हम आपसे साझा करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, आपका राशिफल भी बताएंगे, और आने वाले समय में जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।